Good morning, my dear students. Welcome to the class. Today's first work in math. This is your maths workbook, World of Numbers, and the open page number 34. Today's new concept is addition with zero. हमें किसी भी number के साथ zero को plus करना है और उसका answer क्या आएगा ये अभी आपको करके बताते हैं, ठीक है? First, you have to write your date, 8th September, okay? Then you will start the work. There is some apples, 1, 2, 3, 4. How many apples? 4. And which number? 0. 0 means nothing, कुछ भी नहीं. यहाँ पर कोई apple draw नहीं है. तो हमें 1, 2, 3, 4. 4 apples को यहाँ पर draw करना है और उसका answer भी लिखना है, 4. इसका मतलब हुआ 4 के साथ हम जब 0 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा इक्वल टू 4 ही आएगा, ठीक है? किसी भी नंबर के साथ जब हम 0 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा सेम नंबर आता है. ऐसे ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मैनी बनानास? 5. एंड देयर इज़ 0 बनाना, इट मीन्स नथिंग, नो बनानास देयर. यहाँ पर कोई भी बनाना नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 + 0 = 5. अब हमने 5 के साथ 0 को प्लस किया तो क्या आंसर आएगा? 5 ही आएगा क्योंकि 0 में कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर कुछ सम्स दिए हैं, आपको उनको सॉल्व करना है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. 4 + 0 = 4. आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 0 मतलब कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. तो आपको 4 + 0 = 4. 0 के साथ हम किसी भी नंबर को अगर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा. ऐसे ही 1 के साथ हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा. 0 के साथ हम 6 को प्लस करेंगे, हमारा आंसर 6 आएगा, ठीक है? ऐसे ही 7 के साथ अगर हम 0 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 7 आएगा क्योंकि 0 में कोई भी हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी, कोई पिक्चर नहीं बनी होती है, इसीलिए सेम नंबर आता है. 0 + 8 = 8. 0 + 2 = 2. ओके किड्स,